निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के कैट के सिलेबस में पोस्टर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके प्रिपरेशन का। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पोस्टर को कैसे अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे पोस्टर डिजाइन करना चाहिए और किन किन पॉइंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। एक कॉमन सा टॉपिक लेते हैं, चाइल्ड लेबर। ओके, अगर आपको पोस्टर बनाने को कहा जाए और क्वेश्चन ये हो, डिजाइन ए पोस्टर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो कुछ आप गूगल पे सर्च करने लग जाते हो और आपको कुछ इस तरीके का इमेज दिखने लगता है गूगल पे, और आप इसको क्या करते हो, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप यही सेम चीज़ अच्छी ड्राइंग करके भी बनाओ तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सेम इमेज हमने भी देखा है और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के जूरी मेंबर ने भी यही सेम इमेज देखा है इंटरनेट पे। तो ऑब्वियसली निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी क्रिएटिविटी। अगर आपने अपने पोस्टर मेकिंग में या किसी भी क्वेश्चन में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आप स्कोर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो जो भी आप ड्राइंग एंड कंपोजिशन बनाएंगे वो आपके तरफ से होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट गूगल से कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप गूगल पे इमेज सर्च करते हो तो ज़्यादातर पोस्टर में आप देखते हो डोंट, नो, स्टॉप जैसे वर्ड यूज होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है आज के डेट में। अगर आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो कभी भी आप डोंट, स्टॉप या नो जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि डोंट, नो, स्टॉप लिखने से कोई चीज़ बंद नहीं होती। और देखा जाए तो जहाँ पे डोंट, नो, स्टॉप लिखा होता है वहीं पे वो चीज़ें ज़्यादा होती है। ये हमारा कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर हम डोंट, स्टॉप और नो अगर ना लिखे तो सॉल्यूशन क्या है, क्या हम लिखे एग्जैक्टली? मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करें अपने पोस्टर में या किसी भी क्वेश्चन में, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। लाइक वहां पे आप सॉल्यूशन दें कि कैसे चाइल्ड लेबर को दूर किया जा सकता है। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर इस तरीके के इमेज अगर आप ड्रॉ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो लेफ्ट इमेज दिख रहा है उससे बेटर आपको मार्क मिलेगा राइट हैंड के इमेज में। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहे और एक सॉल्यूशन फ्रेंडली रहे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे और अच्छे रैंक ला पाओगे, और अच्छे रैंक लाने के बाद आपको मनपसंद का सेंटर और मनपसंद का डिपार्टमेंट भी आपको मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे हमारे सारे अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके टॉपिक पे ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का जल्द से जल्द। और आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप मान के चलो कि अगर आप हमें पे करना चाहते हो इस सारे कंटेंट के लिए, तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और शेयर अपने फ्रेंड के साथ भी करें जो निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।